Hi everyone, a very good morning to all of you. You are watching us as Block Industries and here I'm Asha. Welcome and welcome back to my channel. Ani katal blog na rojata na nalam shogo. Thak lai na rogani blog by Choya Kare. Pai thak zorate hi thonga nahi ni nai. Thank you so much. Tam sub zorate ani blog na support khlai tong mani bagai. Khorok nai khorok tam khorok guri khorok ba khorok da khorok shini rok phana ani je blog na nai tong nai rok no. Ang ham bai maya faro. Every year no ang Navaratri ni brot narago. Okay, every year no ang re-rock unkai tai shola stringar ni mane jemon sajokna mani rok dibo tamotai no arpan khayo. Okay, abon bagine current thanga abon bagine reorder khlaima ni kang ni shok paikha tini oboke sari te kang sake lehenga shok paikha motai ni rina bagine ta लहंगा खाई येलो कलर नौ दिन नवरात्रि नौ दिन गो हर साल रमिनाय नौ रात्र नौ दिन हंके आबुन बागिनाय नौटा कलर नांगो जैसा कलर बो पाई खेंगिया जे साल नि जे कलर नि सारी बरी आबो मतायनो रिना नांगुता बा निजिबो कान निजिबो अ कलर नि नरी चुमना नांगो आ सालो मतायन सालोता हंके चुमियाय बोंगो मीन्स आबो ऑस्पेशियस हेनि हिंजागुता कहाम हिने आम देखे नियम मानि खाइमां खांगे कांगनि सक पखेते बसक पाइना तंख अति रंग नताई को बहुत सारे लोग दिल में किसी और को रखकर और किसी और से शादी कर लेते हैं। ये बहुत 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 कॉमन सी प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। ऐसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी लाइफ के साथ साथ किसी और की लाइफ खराब मत करो। टाइम ले लो हील करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। जितना भी टाइम लग जाए आपको किसी से मूव ऑन करने में, किसी रिलेशनशिप से बाहर आने में, किसी इंसान के बिना जीने की आदत लगाने में, लेकिन ये सोच करके शादी करके आप किसी को भूल जाओगे और उससे आगे बढ़ जाओगे वो पॉसिबल नहीं होता है। आपके दिमाग को टाइम लगता है, उसको टाइम दो कि वो उस फेज से बाहर आ सके। तो इसलिए जल्दबाजी में शादी मत करो और किसी और की लाइफ खराब मत करो। तुम्हारे लिए शायद शादी एक डेडलाइन हो सकती है जिसको तुम टिक करोगे और तुमको लगेगा कि हो गया, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता है। ये एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है तो इसको प्लीज इतना लाइटली मत लो। ऐसे हैं जिन्हें स्टेटस और स्टोरी पे कोटेशंस डालना बहुत पसंद है। सपोज किसी से झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो सर्च करेंगे कोटेशंस ऑन ब्रेकअप, कोटेशंस ऑन फाइट और उसे अपने स्टोरी पे डालेंगे। मजे की बात बताती हूँ, उनमें से 90% लोग उस कोटेशन को खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। खुद में भले ही लाख बुराइयां हो, अगर आगे वाले की गलती निकल जाए ना तो स्टेटस डाल देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से, जब भी आप स्टेटस या स्टोरी पे किसी भी तरह का कोटेशन पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले ना खुद सोचिए कि आप उनको अपने लाइफ में अपना रहे हैं कि नहीं, तभी आप वो स्टोरी डालिए, वरना मत डालिए। अपना मिजाज थोड़ा कड़क रखिए, क्योंकि दुनिया डरती है उन औरतों से जो दुनिया से नहीं डरती। जिंदगी में मैंने एक बात तो बहुत अच्छे से सीखी, किसी भी इंसान की कितनी भी ज्यादा फिक्र कर लो, जिस इंसान की जितनी ज्यादा फिक्र करोगे वो उतना ज्यादा तुम्हें रद्दी के भाव और फालतू समझता है। और हकीकत बात तो यह है, अगर तुम किसी दोगले और लिचड़ इंसान को ना उसकी औकात से ज्यादा उसकी वैल्यू दे दोगे तो वो तुम्हें यह एहसास बहुत अच्छे से करा कर जाता है कि ये तुम्हारी गलती थी, कि तुमने हमें इतनी वैल्यू क्यों दी थी। जो इंसान दूसरों के घर में आग लगा के दूसरे को धोखा देकर ये बोलते हैं ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, गलती सारी सामने वाले की थी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तो जो तुमने ठीक उस इंसान के साथ किया है ना वो ठीक भगवान तुम्हारे साथ भी करेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये लगता है ना कि तुमने बहुत अच्छा किया है सामने वाले के साथ तो वही बहुत अच्छा तुम्हारे साथ भी होगा। बस सब्र रखना और इंतजार करना उस अच्छे होने का, क्योंकि तुमने अच्छा किया है तो तुम्हारे पास अच्छा तो आएगा ही। जिंदगी में जो लोग अपने अकेलेपन से परेशान हैं वो हमेशा याद रखें, अकेलापन एक सीमित समय तक ही दुख देता है लेकिन कुछ समय बाद इसका गहरा नशा हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मजबूत इंसान होता है वही अकेला खड़ा होता है, कमजोर को हमेशा भीड़ या सहारे की जरूरत होती है।